मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड कलेक्टर की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम करें। बीजेपी पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दमन कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पर्ची वाले सीएम के राज में प्रदेश में दो अलग अलग विचारों के कानून चल रहे हैं, दबंगों के लिए अलग और दलित अल्पसंख्यकों के लिए अलग। प्रदेश सरकार पर दोयम दर्जे की कर प्रणाली का आरोप लगाते हुए पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, दलित अल्पसंख्यक परिवार पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि माफिया गुंडों को खुली छूट दी गई है। लाहौर में 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कानून का उल्लंघन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर निर्दोष व्यक्तियों के पक्ष में आवाज उठाएगी। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रशासन के द्वारा दमन कर रही है। जैसा कि प्रदेश में एजेंडा है, एक भिंड का कलेक्टर है, उसने मकान एक हत्या करने वाले के तोड़े, दूसरे का एक ही कानून, एक ही विचार तो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि मकान उसके तोड़े जाएंगे जिससे नफरत और घृणा बढ़े। इंटेंशन उस वीडियो का आप लोगों के पब्लिक डोमेन में होगा। ये एक उदाहरण है कि प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम करना है। किस पे? इस प्रदेश के दलितों पे, इस प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, इस प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक परिवार के साथियों पे, और साथ ही साथ अपराधियों को छूट देना। अब आप देखो उज्जैन की घटना, एक फौजी ने दूसरे एक विकास यादव को गले में हाथ डाल के गोली मार दी, पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने मार दी। ये छोटी घटना नहीं थी, ये बार बार एहसास कराता है कि 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लाहौर भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, नफरत, घड़ा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।